श्री संत बलबीर सिंह। बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब थोड़ा तुसी समा दिता। असी पानिया की गल करना चाहते हैं कि पानी मुक रहा, पानी सुक रहा, पंजाब की धरती पंजा दरियावां की धरती बेआब हो रही है। सो जिथो तिकर पानी के हालात आ, 19 की रिपोर्ट 19 दे विच तमिलनाडु दे विच ट्रेना 50 बोगियां की ट्रेन भी पानी नूं सप्लाई वास्ते चली सी। इस तरह 21 सूबियां दे विच 10 करोड़ लोग पीण वाले पानी के संकट नाल जूझ रहे हैं। नीति आयोग की सन 18-19 की रिपोर्ट अनुसार मुताबक हर साल 2 लाख लोग पीण वाले साफ पानी ना मिलन करके मौत का शिकार हो रहे हैं। नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट मुताबक 2030 तकर कुल आबादी का 40% हिस्सा पीण वाले पानी तो वांझा हो जाऊगा। सो सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड जो 5 साल पहला जी उन्होंने रिपोर्ट दी सी, पंजाब दे विच 2039 तक धरती हेठला पानी 300 मीटर भाव 1000 फुट थले चल जूगा। तो जिदे भारिया धातों का खतरा जी खेती है तो दूर की गल, 1000 फुट तो पानी कढ के पानी किवें खेती की जा सकती है। पंजाब खेती प्रधान सूबा ते पानी नू दे जिस अनुसार चल रहा, पानी मुक रहा, पानी सुख रहा। पंजाब दे विचे 80% जिहड़ा पानी आ खेती आ वह धरती थल्लों पानी कढ के मोटरां दे नाल खेती की जाती है। सिर्फ 20% खेती जिहड़ी आ वह जिहड़ी है नहरी पानी नाल की जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार पंजाब दे 133 ब्लाकां दे विचों 109 ब्लाक डार्क जोन दे विच आ गए, भाव उत्थे पानी जिहड़ा है पहुँच तो दूर हो गया। सो असी आप जी का ध्यान विच लिआउणा चाहुंदे आ कि साडे वड्डे वडेरिआं ने पानी दे भंडार संभाल के रखे, अज पानी मुक रहे आ। गुरु नानक पातशाह ने अपनी बाणी दे विच पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय, जीवन का आधार जेकर पानी ना बचिआ तो फिर भेखुआ पंजाब ने पूरे भारत का अनाज का ढिड भरिया। अज पानी मुक रहा, पानी सुक रहा, असी बेनती करांगे कि पानिया नूं बचाउण वास्ते उत्थे पंजाब सरकार की किसानों की मदद की जाए ताकि जिहड़ी हैगी पंजाब हसदा वसदा रह सके। थैंक यू, धन्यवाद।